फैसल जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। क्या ये धमकी दे रहे हैं? जब जब अदालतों के फैसले इनके खिलाफ आते हैं तब तब ये अदालतों पे हमला आवर हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है अदालत का जो भी फैसला होगा हमारे लिए काबिले एहतराम होगा, हम तो कबूल करें। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं? इनकी एक तारीख है इदारों पर हमला आवर होने की, अदालतों पर हमला आवर होने की। जस्टिस सजाद की सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने फिजिकल अटैक किया था और बाकी भी किसे कहानियां आपके सामने किसी और वक्त जब ज्यादा टाइम होगा तो बात करूंगा। लेकिन मैं जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि ये इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो हमारी अरूज पर हो और इन्होंने जो तीन जो बैरूनी एजेंट्स हैं इन्होंने तहरीक आदम एतमाद ला के इमरान खान को उठा के खुद आके इन हाउस तब्दीली रजीम चेंज करके सबसे पहला काम क्या करना था, खुदा न खास्ता अगर ये इस साजिश में कामयाब हो जाते तो पहला काम क्या करना था, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म करना था, इन्होंने नैब को खत्म करना था, इन्होंने ओवरसीज की वोटिंग को खत्म करना था। इनके ये इरादे थे और इंशाल्लाह इन इरादों में ये कामयाब नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहा है तीन महीने के बाद इलेक्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर और इंशाल्लाह इमरान खान साहब दो तिहाई अक्सरियत लेकर वापस आएंगे। और दूसरी तरफ उनके मद्दे मुकाबल कौन है? बाप जो कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है जमानत पर, बेटा जो कि सीएम का कैंडिडेट है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।